मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है, इसका ताजा उदाहरण सीएए कानून है। सीएए कानून है और आपने देखा होगा कल ही सीएए कानून के तहत शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का काम शुरू हो गया कि मोदी ये जो सीएए लाया है ना, जिस दिन मोदी जाएगा ये सीएए भी जाएगा। भाइयों बहनों, क्या इस देश में अब कोई माई का लाल पैदा हुआ है जो सीएए को खत्म कर सके? साथियों, मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है, इसका ताजा उदाहरण सीएए कानून है। सीएए कानून है और आपने देखा होगा कल ही सीएए कानून के तहत शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का काम शुरू हो गया। पहले लॉट को ऑलरेडी नागरिकता दी गई और ये सभी भाई बहन हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, ईसाई है और ये वो लोग हैं जो शरणार्थी बनकर के लंबे अरसे से हमारे देश में रह रहे हैं। ये वो लोग हैं जो धर्म के आधार पर हुए भारत के बंटवारे का शिकार हुए थे। और मजा देखिए, ये महात्मा गांधी का नाम लेकर के सत्ता की सीढ़ियां तो चढ़ जाते हैं लेकिन महात्मा गांधी के बातों को याद नहीं रखते हैं। खुद महात्मा गांधी ने भरोसा दिया था कि वो कभी भी भारत आ सकते हैं। 70 वर्षों में हजारों परिवार प्रताड़ना झेल करके अपनी बेटियों की इज्जत बचाने के लिए, अपना धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को बचाने के लिए मजबूरन मुसीबत के मारे भारत मां की कोख में आकर के शरण लिया। लेकिन कांग्रेस ने इनकी कभी सूद नहीं ली क्योंकि ये कांग्रेस के वोट बैंक नहीं थे। और ये लोग कौन है? ज्यादातर इतने मेरे दलित भाई बहन है, मेरे ओबीसी समाज के भाई बहन है, मेरे पिछड़े भाई बहन है और इसलिए इन पर वहां तो जुल्म हुआ ही हुआ, वोट बैंक की राजनीति में डूबे हुए यहां के कांग्रेस की सरकारों ने भी और उनके साथियों ने भी इन पर जुल्म करने में कोई कमी नहीं रखी। लेकिन यहां सपा, कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों ने इनके साथ क्या किया? इन्होंने सीएए के नाम पर ऐसा झूठ का पहाड़ खड़ा कर दिया, ऐसा झूठ चलाया। सपा कांग्रेस जैसे दलों ने यूपी सहित पूरे देश को दंगों की आग में झोंकने का भरपूर प्रयास किया। आज तक ये इंडी गठबंधन वाले कहते हैं कि मोदी ये जो सीएए लाया है ना, जिस दिन मोदी जाएगा ये सीएए भी जाएगा। भाइयों बहनों, क्या इस देश में अब कोई माई का लाल पैदा हुआ है जो सीएए को खत्म कर सके?
ये देश की जनता जान गई है, देश का हर नागरिक जान गया है कि आप लोगों ने वोट बैंक की राजनीति करके हिंदू मुसलमान को लड़ा लड़ा करके और सेक्युलरिज्म का ऐसा चोला पहन लिया था कि आपकी अंदर की पाप की सच्चाई बाहर नहीं आती थी। ये मोदी है जिसने आपका नकाब उतार दिया है, ये आपका नकाब, आप डोंगी है, आप सांप्रदायिक है, आपने देश को 7 दशक तक संप्रदाय की आग में जूझने के लिए मजबूर कर दिया है। साहब, मैं साफ साफ कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, ये मोदी की गारंटी है, देश विदेश कहीं से भी जो भी ताकत इकट्ठी कर रही है कर लो, मैं भी मैदान में हूं, तुम भी मैदान में हो। आप सीएए नहीं मिटा पाओगे, आने वाले कुछ महीनों में ही पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली पंजाब तक हजारों शरणार्थी परिवार मां भारती की गोद में रह रहे हैं, अनाथ की तरह रह रहे हैं, वो अब सम्मान के साथ रहेंगे, उनके पास उनकी एक पहचान होगी, वो मां भारती के बेटे कहने के हकदार हो जाएंगे। हमारे उत्तर प्रदेश में भी ऐसे लाखों परिवार बसे हुए हैं जी। असम फोकस।